परवेलिया फ्रेंड्स क्लब और उसके साथ जो मुकाबला होगा बनपुर सेल एसपी, और ये क्वार्टर फाइनल का तीसरा मैच है। फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिमी बराकर में आपका स्वागत है, और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से हैं। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपको एक बार फिर डायमंड क्लब के इस ग्राउंड में, आप देख सकते हैं ग्राउंड में स्वागत है। और मैं इस बार बहुत रोमांचक मैच का आपको व्यू दिखाऊंगा, इसका कवरेज करने किया हूं मैंने, और कोशिश करूंगा इस अच्छे से अच्छे वीडियो कवरेज कर सकूं। ये जो टीम है ये बनपुर के इसको क्लब के जो टीम है और पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के परवलिया के टीम है, दो टीमों के बीच भिड़ंत होगी। और इसको इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी खुशी होगी। और मैं इस चैनल में जो नए अभी जुड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आप आइकॉन बटन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे अपलोड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो ठीक है, आप स्किप मत कीजिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। अब मैं कंटिन्यू आपको मैच का जो व्यू है और जो मूवमेंट है, अच्छा अच्छा मूवमेंट है, उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। स्वागत करें, देखिए ये सम्मानित किया जा रहा है मोहम्मद गफ्फार कर रहा है, जो दोनों टीमों के मैनेजर है। उठा जाओ इधर, और कुछ देर के बाद जो आज के गेस्ट है वो आ जाएंगे। आज के हमारे दोनों टीमों के मिलेंगे। अरे हमारे ऑफिस के चेंज नहीं प्लेयर्स से मिलते हुए गेस्ट खड़े हमारे राष्ट्रगीत खड़ा देख लीजिए दर्शक उत्साह से भर चुके हैं, बस अब कुछ ही देर के बाद ये खेल प्रारंभ हो जाएगी। प्लेयर एकदम बिल्कुल तैयार है और जोश के साथ, अब देखिए दोनों प्लेयर अपने हुनर को दिखाने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार है। अब दर्शक के इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, बस बहुत जल्दी एकदम खेल स्टार्ट हो जाएगी। और देखिए रेफरी भी एकदम तैयार है और बहुत जल्दी एकदम खेल स्टार्ट हो जाएगी। चलिए आप वक्त को ज़्यादा नहीं लेंगे और गाइस देखिए और खेल का मज़ा लीजिए। काफ़ी कोशिश कर रहे हैं गोल शॉट करने के लिए और ये अच्छा प्रयास, लेकिन बॉल काफ़ी दूर बाहर। इस तरह देखिए मैं शूट कर रहा हूँ, बदल हाथ रख टीवी ना जाते अरे
और ये अच्छा मौका लेके और अच्छा मौका और बहुत अच्छा लेकिन गोल पोस्ट से बाहर। बहुत रोमांचक मैच, दर्शक पूरी तरह से एंजॉय लेते हुए और सबके दिलों का धड़कन थम चुकी है। अभी फिलहाल दोनों टीमों के बीच कांटे के टक्कर हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये मौका पर मौका मिल रहे हैं लेकिन उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। और ये मौका 10 नंबर के प्लेयर, परवलिया के प्लेयर है, और देखिए आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा मौका। आप देखिए बहुत अच्छा मौका, आप देखिए बहुत अच्छा ले, लेकिन ये अच्छा प्लेयर है, ये बहुत अच्छा मूवमेंट है, ये आपको देख के बहुत खुशी होगी। अगर ये पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। ये ब्रिज के ऊपर में काफी संख्या में ये देखिए नीचे से कैमरा के नीचे से देखिए आप दर्शक देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद है और काफी अच्छा खेल यहाँ। और ये अभी तक जितने भी ये खेल हो चुके हैं इससे बेहतरीन खेल ये अभी है। और ये बहुत अच्छा कोशिश लेकिन गोलकीपर के हाथों में और बिल्कुल सेफ। ये देखिए बहुत अच्छा मौका लेकिन ये ऑफ साइड, ये ऑफ साइड है रेफरी द्वारा। दर्शक काफी उत्साह के साथ खेल का आनंद, दर्शक भी यहाँ पर खुश है, बहुत एंजॉय करते हैं। बड़ा करके जो दर्शक है वो काफ़ी अच्छे हैं, बहुत एंजॉय करते हैं और बहुत ही प्लेयर जो दोनों टीमों के हौसला अफजाई करते हैं, किसी तरह के कोई ये नहीं, बहुत अच्छे खेल की उम्मीद रखते हैं। और दर्शक यहाँ देखिए बहुत खुश है ये कैमरा में आने के लिए, ये देखिए ड्रो फेंकते हुए परवलिया के प्लेयर द्वारा और बहुत अच्छा चांस बनाते हुए और बहुत अच्छा ड्रिबलिंग। और ये कॉर्नर देखते हैं ये मौका का फ़ायदा उठाते हैं कि नहीं। बहुत अच्छा मौका है गोल शॉट करने के लिए, बहुत अच्छा मौका, ये बहुत बेहतरीन मौका मिला है। परवलिया के जो टीम है वो इस मौका को फ़ायदा उठा पाते हैं कि नहीं। देखिए ये पास भी है, बहुत अच्छा पास लेकिन क्लियर करते हुए परवलिया के प्लेयर, ये देखिए बहुत अच्छा प्लेयर, बहुत अच्छा पास, बहुत अच्छा पास लेकिन दूर से प्रयास कर सकते हैं या पास दे सकते हैं। देखिए पास भी है और बहुत अच्छा मौका, ये देखिए मौका का फायदा उठाते हैं कि नहीं। बहुत अच्छा प्रयास लेकिन एकदम बाहर, ये मौका था बहुत अच्छा मौका था, ये मौका बहुत अच्छा मौका था लेकिन नहीं हो सकता। करते हुए गोलकीपर द्वारा हर दो के गोलकीपर हैं जो आगे फिलहाल बहुत अच्छा सेव किए हैं। और परवलिया के जो प्लेयर हैं वो काफ़ी अच्छा खेल खेल रहे हैं, वो एक गोल से पिछड़े हुए हैं, वो अच्छा खेल प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उसकी टीम बराबर हो सके। और ये देखिए बहुत अच्छा पास, 10 नंबर के जो प्लेयर है परवलिया के बहुत अच्छा खेल खेल रहे हैं। और देखिए देख सकते हैं वो ड्रिबलिंग करते हुए, ये देखिए ये बहुत अच्छा मौका हो सकता है बनपुर के प्लेयर को, ये दूसरा मौका लेकिन क्लियर करते हुए 5 नंबर प्लेयर के द्वारा। इसी के साथ मैच समाप्त और इस तरह बनपुर की टीम 2-2 से जीतते हुए और इस तरह
बलमपुर के जो टीम है दो गोल से जीत कर अपना जगह सेमीफाइनल में बना चुके हैं। और पसंदीदा जो टीम है वो बहुत अच्छा खेल के प्रदर्शन किए, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। बहुत अच्छा मौका मिला, मौका का फ़ायदा नहीं उठा सके और दो गोल से पिछड़ते और ये मैच हार चुके हैं परमिया की टीम। और आज के जो हमारे इस मैच को बहुत अच्छा खेल खेला है ये रेफरी द्वारा, रेफरी बहुत अच्छा खेल अभी तक तो खेला करा चुके हैं। और दर्शक देख सकते हैं, दर्शक काफ़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। तो इस तरह गाइस आप देखें डायमंड ग्राउंड में ये मैच काफ़ी रोमांचक मैच हुई, जिसमें दो टीम पार्टिसिपेट किए। एक टीम बलमपुर के थे, बलमपुर के इसको के टीम, और एक परवलिया के टीम। दोनों टीमों के प्लेयर काफ़ी अच्छे खेल का प्रदर्शन किए और दोनों टीमों के खेल को दर्शक के काफ़ी एंजॉय किए। और बलमपुर की टीम दो गोल से लीड करके ये मैच जीत चुके हैं। और अब दूसरी जो मैच है वो अब नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। और आज का जो मैराथन मैच है वो फाइनल में दिया जाएगा। वो प्लेयर्स फुटबॉल एकेडमी के दो नंबर के जर्सी पर मनोज।